हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की जो गणित है उसकी प्रश्नावली 1.2 को डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पहले बेटा क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। संख्या रेखा के बारे में थोड़ा सा जान ले, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे सिंपल तरीके से। एकदम क्वेश्चन बहुत ही सरल है। संख्या रेखा क्या होती है, जितनी भी परिमेय संख्या होती है हमारी, परिमेय अपरिमेय संख्याओं को अब हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। जैसे देखो बेटा, ये देख लाइन बनाई मैंने, यहाँ लिखा मैंने 0, समान समान अंतर पर 1, 2, 3, 4, और इधर प्लस के इन्फिनिटी जाएगा, फिर इधर -1, -2, -3, -4 और इधर माइनस के इन्फिनिटी। तो किसी संख्या को निरूपित करना, ठीक है, इस रेखा पर संख्या रेखा को दर्शाता है। अब ये जो संख्याएं हैं ये भिन्न वाली संख्याएं हैं, इनको कैसे दिखाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है बेटा, सिंपल तरीके से चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। 7/4 ये प्लस का है, ठीक है, 7/4। तो क्या करना है, 7/4 को तोड़ के लिखना है। हम किसके लिए देख रहे हैं बेटा, 7/4 के लिए देख रहे हैं। तो 7/ में क्या है, 4 है। तो क्या करना है, संख्या रेखा को 4 बराबर भागों में बांटने पर। अब ये क्या चीज़ है वो देखो बेटा, 7/4 है ना, पहले तो एक रेखा बना लो। ये रेखा बनाया, यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, समान समान लाइन खींच लो और ये आपको पटरी से बनाना है। मैं तो ऐसे ही कर दे रहा हूँ, पटरी से दूरी समान रखनी है। तो स्टार्ट करना है 0/4 से, फिर 1/4, 2/4, 3/4, ठीक है, 4/4, 5/4, फिर 6/4 और फिर 7/4, ठीक है। और हमें दिखाना क्या है, 7/4 दिखाना है। तो जिस संख्या को दिखाना है, ये 7/4 का निरूपण यहाँ है, तो ये दिखा दो, ये रेखा गई और यहाँ तक आ गई, ये हमारा 7/4 का निरूपण है। प्लस के लिए देख रहे हो, इधर प्लस के इन्फिनिटी है, ठीक। अब हमें क्या करना है, दूसरा वाला दिखाना है बेटा, कौन सा, -5/6, इसको कैसे दिखाएंगे, आगे समझ में बेटा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होगा। अब सेकंड पार्ट इसका -5/6, ठीक है, माइनस का है, ध्यान रखना है। तो मैंने नंबर खींचा, -5/6, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने 0, ठीक है, 0/6 में क्या, 6 है, फिर क्या आएगा, इधर इधर बढ़ेगा ना, माइनस का मान इधर क्या होता है, बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आएगा -1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, ठीक है, ऐसा चल रहा था। और हमें क्या दिखाना है बेटा, 5/6 का दिखाना है, ठीक है, हमें दिखाना है 5/6 को, यहीं पे रुक जाएंगे और इस पर ये गोला बना देंगे। ये संख्या रेखा पर इसका निरूपण हो गया, बस इतना सिंपल है, ठीक है। प्लस वाला उस तरफ जाएगा, माइनस वाला इस तरफ आएगा। अब ऐसे ही -2/11, 5/11, 9/11 को संख्या रेखा पर दिखाइए। सो देखो बहुत आसान है, 11 बराबर भागों में बांटना है। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0/11, 1/11 माइनस के है ना, मैंने माइनस लिखा था दूसरे वाले में, यहाँ लिखा था, फिर यहाँ आ जाएगा -2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11, यहाँ तक आ गए। अब जिस जिस संख्या को निरूपित करना है, -2/11, फिर क्या करना है, -5/11, फिर -9/11, ये संख्या हमने निरूपित की संख्या रेखा पर।
भाई इससे आसान और कुछ होता है बताओ, खुद तुम खुद बोलो। आराम से हो गया। ऐसे पांच परिमेय संख्या लिखिए जो दो से छोटी हैं, ठीक है, दो से छोटी पांच परिमेय संख्या लिखनी है। बहुत आसान है यार, तो पांच बोला है तो मतलब इतनी लिख दूंगा ना तुम गिन के थक जाओगे। दो से छोट सबसे पहले दो से छोटी बेटा क्या लिख दो, माइनस के दो लिख दो, ये सब उससे छोटी है। माइनस के तीन, माइनस के चार, माइनस के पाँच, माइनस के छः, माइनस के सात, ये सब उससे छोटी परिमेय संख्या है ना। ये परिमेय संख्या वाले माइनस में है लेकिन छोटी हैं दो से, है ना। तो ये आंसर आ गया। अगला क्या है, अभी देखो 10 परिमेय संख्या निकालना है, बीच वाली संख्या निकालनी है। इसके करने के दो तरीके हैं, एक बहुत बड़ा मेथड, एक बहुत सिंपल मेथड है और हर बार लगता है, कक्षा 9 में भी आएगा। सो सबसे मस्त तरीका सिखा रहा हूँ, क्या करना है देखो बेटा, ट्रिक सिखा रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं, प्रॉपर तरीका है। हल में आ जाओ, संख्या लिखो माइनस के 2/5 व 1/2। पहले देखो क्या नीचे दोनों के समान है, बट्टे में नहीं है, समान नहीं है तो क्या करेंगे, इसके बट्टे में दो है, सो जिस इसके बट्टे में दो है ना, इधर दो से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, और इसके बट्टे में पाँच है तो इधर पाँच से गुणा हो जाएगा, मतलब इसके वाले से इधर और इसके वाले से इधर ऊपर नीचे गुणा होगा, ठीक है। ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, 2 × 4, 5 × 10, और इधर 5 × 5, 2 × 5 × 10, ठीक है बेटा। 5 × 5, 2 × 4, 5 × 10, 2 × 5 = 10। नीचे सेम टू सेम आ गए ना, ठीक है। कितने परिमेय संख्या निकालनी है, 10 परिमेय संख्या निकालनी है, चूंकि जितने परिमेय संख्या निकालनी है उसमें एक जोड़ देंगे 10 + 1 से, गुणा व भाग करने पर, फिर से दोनों में गुणा भाग करना पड़ेगा, ठीक है। 4/10 है, इसमें भी 11 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। और ये कोई माइका लाल इसको बोल नहीं सकता कि ये तुमने गलत किया है, तुम जब चेक करोगे ना कैलकुलेटर से तो सही आएगा। ये आ जाएगा 11 × 44, 11 × 1 = 11, 0, 11 × 5 = 55, ये आ गया इतना। तुम्हें कितने निकालने के लिए बोला है, 10 परिमेय संख्या। अब इन दोनों संख्याओं के बीच तुम्हें 10 से ज़्यादा परिमेय संख्या आराम से मिलेंगी, 10 तो मिलेंगे ही मिलेंगी, ठीक है। इनके बीच परिमेय संख्या निकाल दो, अतः 10 परिमेय संख्या वो क्या होंगी वो देखते हैं बेटा। 10 परिमेय संख्या क्या होंगी, पहले देखो -44 से बड़ा कितना है, -45। आगे की तरफ, नहीं, गड़बड़ हो रहा है, मैं तो 55 से छोटा कर दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ये माइनस का ये प्लस का है, 55 से छोटा, 54/110, ठीक है। और फिर आ जाएगा 53/110, फिर आ जाएगा 52/110, 51/110, 50/110, फिर 49/110, 48,110, कितना हो गए, 4 × 3 = 7, 47/110 8 हो गए, 46/110, 45/110। तुमसे तो 10 ही बोला, तुम और भी निकाल सकते हो। ये आ गया आंसर, सबसे इजी और आसान तरीका, और ये कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रॉपर मेथड है, एग्ज़ाम में करना है ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही इनमें भी बोल रहे, निम्नलिखित संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, 2/3 और 4/5, ठीक है, 2/3 और 4/5। तो पहले 2/3 दिखाते हैं, फिर हम दिखाएंगे 4/5, ठीक है ना। देखो बेटा स्टार्ट करते हैं, क्या करना है, 2/3 है और 4/5 है, तो अलग अलग दिखाएं या एक में दिखाएं, अलग अलग दिखाते हैं। 2/3 प्लस का है, ये संख्या रेखा है ना बेटा, यहाँ 0, 0/3, 1/3,
2/3 यहाँ आ जाएगा, 3/3 फिर आगे बढ़ेगा ना, 3/4 करके। तो यहीं तक रोक दो, फिर अगला दिखाना है हमें प्लस के इन्फिनिटी, इधर है प्लस के इन्फिनिटी। फिर 4/5 में से स्टार्ट करेंगे, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, और फिर ऐसे ही आगे बढ़ेगा ना, 6/5। तो हमें कौन सी संख्या दिखानी है, 2/3, ये हो गया। फिर हमें दिखानी है 4/5, ये हो गया आराम से, ठीक। ऐसे ये वाला हो जाएगा, एक माइनस वाला है, 3/2, माइनस का 3/2, सो माइनस का 3 इस तरफ जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा 0/3 माइनस के 1/2। अच्छा, बट्टे में 2 है ना, 0/2 माइनस के 1/2 माइनस के 2/2 माइनस का 3/2 है ना, यही है। हमें किस पे दिखाना है, माइनस का 3/2 पर, ठीक। दूसरा वाला क्या है, प्लस वाला, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, ऐसा चलेगा ना। हमें क्या दिखाना है बेटा, हमें दिखाना है 5/3, ये आराम से हो गया संख्या रेखा पर, ठीक है। फिर से वही चीज़ है, 1/4 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखो बेटा, वही काम करना है, 1/4 और 1/2, इसके बट्टे में सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा। ये 4 है, इधर 2 से गुणा हो जाएगा, और इधर 4 है तो इधर 4 से गुणा हो गया, ठीक है। 2 1 कम 2, 4 2 8, और 4 1 कम 4, 4 2 8। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो जितनी निकालनी है उसमें एक जोड़ दो, से गुणा व भाग करने पर, यानी कि 2/8, 6 × 6, 4/8, 6 × 6, 2 × 12, 8 × 48, 4 × 24, 8 × 48, ठीक है। 5 परिमेय संख्या निकालनी है आपकी, पांच परिमेय संख्या 12 से एक बढ़ा के लिखोगे, 13/48, 14/48, 15/48, 16/48, 17/48, आंसर 5 बोला, तुम तो और भी निकाल सकते थे, है कि नहीं, आराम से हो गया। -2 से बड़ी 5 संख्या है, -2 से बड़ा क्या होता है बेटा, -2 से बड़ा होता है माइनस का 1। 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, फिर लिख दो 1 2 3, है ना, क्लियर। 5 परिमेय संख्या बोला, तुम तो कितनी भी लिख सकते हो, ये सारी परिमेय संख्या ये 2 होती हैं, ये आपका आ गया आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन बेटा मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसे तुम खुद बनाओ और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, करा रखा है ना ऐसा, प्रैक्टिस के लिए हो गया। तो आशा करता हूँ बेटा जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ रखा होगा, बहुत ही आसान सी प्रश्नावली थी, देखते देखते हमने कर लिया। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना, चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।